फाइनली एक वीक के इंतजार के बाद में वन पीस के मांगा चैप्टर 1110 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और जो लास्ट चैप्टर के एंडिंग में हमको लगा था कि पांचों के पांचों गुरु से एक टाइम पे गेट के ऊपर नहीं आ सकते, उस टाइम हमको लगा था कि ओडा सेंसे हर बार की तरह इस बार भी हमारा कार्ड देंगे, लेकिन इस वाले चैप्टर के अंदर हमको चारों के चारों गुरु से का हाइब्रिड या हम बोल सकते अवेकम फॉर्म देखने को मिला है। और आज जो लास्ट कुछ चैप्टर से जोरो वर्सेस लॉबुसी की फाइट चल रही थी उसका फाइनली दी एंड हो चुका है और यहाँ पर इस वाले फाइट का विनर ऑब्वियसली अपना जोरो निकल के आ चुका है। मुझे तो लगा था कि भाई ये वाली फाइट तो सीधा एगेट के एंडिंग तक ही चलेगी, लेकिन भाई फाइनली अभी अपना जोरो फ्री हो चुका है और हो सकता है कि आगे आने वाले चैप्टर के अंदर हमको जोरो किसी गुरुसे के साथ में लड़ते हुए दिख जाए। और जिस बात के लिए हम कब से लेकर थेरीज बना रहे थे कि बाकी चार गुरुसे की योकाई फॉर्म या फाइनल फॉर्म्स कैसे होंगे, वो तो हमको इसी वाले चैप्टर के अंदर दिखा दिए गए हैं, जिनमें से जो गांधीजी जैसे दिखने वाले गुरुसे हैं उनका जो योकाई फॉर्म है वो एक टाइप से हॉर्स जैसा दिखता है। भाई ओडा सेंसे ने एक बार फिर से सारी की सारी थेरीज के ऊपर पानी फेर के रख दिया है, क्योंकि हम पहले से सोच रहे थे कि बाकी जो गुरुसे रहेंगे उनके जो योकाई फॉर्म रहेंगे वो जैपनीज माइथोलॉजी पे बेस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ज्यादा अलग सीन हो रहा है, क्योंकि जो अपने जुपिटर भाई साहब है वो एक वर्म जैसे दिखते हैं और बाकी जो अपने मार्स भाई साहब है वो एक जायंट बर्ड की तरह दिखते हैं और लास्ट बचे हुए अपने टॉप मैन वेलकरी एक बियर जैसे दिखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमने पांचों गुरुसे के लिए सोच के रखा था वो पूरा का पूरा गलत निकला और इन वाले स्पॉयलर्स के अंदर हमको पता चला कि पांचों के पांचों गुरुसे लूफी के ऊपर अटैक करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वहाँ पर लूफी के साथ में लड़ने के लिए ड्रोरी और बोगी आ जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा शोडाउन होने वाला है, लेकिन क्या आपको लगता है कि लूफी पांचों के पांचों गुरुसे को रोक के रख पाएगा? आगे चलकर हमको चैप्टर के बारे में इतनी ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं मिले हैं, मतलब अभी डिटेल्स में स्पॉयलर्स आना बाकी है, तो जैसे ही डिटेल में स्पॉयलर्स आ जाते हैं तो उसके ऊपर मैं जल्दी से वीडियो बना दूंगा, तब तक आप इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो होपफुली गाइज आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा, तो मैं मिलता हूँ आपको आगे आने वाली किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।